हेलो एवरीवन, सो कैसे हैं आप सब। अगर आप इस साल एडमिशन्स के लिए अप्लाई कर रहे थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, तो बहुत सारे स्टूडेंट जो लॉ कोर्सेज के लिए अप्लाई करने वाले हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है कि 10th ऑफ अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन की डेट बढ़ गई है। जिन स्टूडेंट ने क्लैट 2023 दिया है या फिर पिछले साल क्लैट का एग्ज़ाम दिया था, वो स्टूडेंट इस सेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्लैट 2023 के लिए आज की डेट में भी दिल्ली यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन ले रहा है, तो जिन भी स्टूडेंट्स को आज की डेट में उम्मीद है एडमिशन की या फिर एडमिशन के लिए लगता है कि भाई मेरे पास कहीं एडमिशन नहीं मिला है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी अभी आज की डेट में बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। क्योंकि बहुत ही कम स्टूडेंट्स को पता है कि इस साल दिल्ली यूनिवर्सिटी क्लैट के बेसिस पे अपने इंटीग्रेटेड लॉ के अंदर एडमिशन ले रहा है, और नेक्स्ट ईयर के लिए आप लोगों को वेट नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको अगले साल अप्लाई करना है तो भाई सेशन 2024 का क्लैट दोगे तब एडमिशन के अप्लाई करोगे। अगर आपने क्लैट 2023 दे रखा है तो उसकी एडवांटेज लो, डोंट वेस्ट योर ईयर। देयर माइट बी पॉसिबिलिटी, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों को इस सेशन के अंदर ही एडमिशन मिल सकता है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ लॉ इंटीग्रेटेड लॉ फर्स्ट टाइम लॉन्च कर रहा है, बहुत ही कम स्टूडेंट्स को पता चला इसके बारे में। लास्ट में जाके पता चला है, ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 4 अगस्त को उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला था कि हम ऐसे ऐसे एडमिशन लेंगे। उसके बाद काफ़ी सारे स्टूडेंट को उसके बारे में नहीं पता था, सब CACS की काउंसलिंग अटेंड कर रहे थे। अब ये चीज़ क्लियर है, देखो क्लैट दिया है तो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। अभी जाइए, रजिस्ट्रेशन करिए और उसके बाद एडमिशन के लिए काउंसलिंग अटेंड करिए, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, सीट्स की बोल लेते हो कभी नहीं है। सीट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, 60 सीट्स इनकी है BLLB के अंदर, और 60 सीट्स BBLLB के लिए भी इनकी 60 सीट्स अवेलेबल है, तो 120 सीटें हैं। आपका बहुत अच्छा चांस बन सकता है यहाँ पे। वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से और जाके एप्लीकेशन फॉर्म फिल करिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी के लेटेस्ट अपडेट्स के साथ बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।